गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट डे में हम लोग गए थे लेस्टर के पास, मतलब लेस्टर के पास गए नहीं थे, हम लोग ने लेस्टर को कॉल किया था क्योंकि हम लोग को पता लगाना था मार्टिन का लोकेशन। और मार्टिन ना भाई बहुत ज़्यादा ही छुपने लग गया था और हम लोग को उसका लोकेशन बिल्कुल भी नहीं मालूम था, लेकिन लेस्टर को उसका लोकेशन मालूम था क्योंकि लेस्टर ना बहुत ही बड़ा हैकर है और उसको हैक करके पूरा लोकेशन मालूम पड़ता है कि कहाँ पे मार्टिन है और उसका लोकेशन प्रॉपर वाला लोकेशन कहाँ पे। तो हम लोग को ना लेस्टर ने प्रॉपर वाला लोकेशन दिया, वो लोकेशन था चर्च। मतलब मार्टिन ना हर संडे संडे चर्च जाता है प्रेयर करने के लिए, ये संडे भी उसको प्रेयर करने के लिए जाना था संडे। और ये चीज ना लेस्टर को मालूम पड़ गया था अपने हैकिंग के टूल की वजह से, क्योंकि लेस्टर को ना उसके हैकिंग का हर एक मेथड मालूम है। क्योंकि अगर कोई भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड किधर भी स्वाइप करता है तो जो मैसेज आता है उसके लोकेशन से, मतलब मोबाइल के लोकेशन से, वो प्रॉपर उसका एक लोकेशन मालूम पड़ता है कि कहाँ पे बंदा। तो उसी तरह से हम लोग को मार्टिन का लोकेशन मालूम पड़ा, उसके बाद वाइटल इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ा कि वो जाने वाला है चर्च में आज संडे के प्रेयर के लिए। फिर वो मालूम पड़ते हैं मैं सिक्योरिटी सब लेके निकल गया था वहाँ के लिए। अभी तो फिलहाल मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है क्योंकि भाई हम लोग इतने ज़्यादा फ्री है, हम लोग ने लास्ट एपिसोड में पकड़ लिया था मार्टिन को, वही चर्च में हम लोग ने उसको एम्बुश किया, पीछे से स्नाइपर से हम लोग ने उसके पैर पे मारे क्योंकि वो भाग ना पाए कार में जल्दी बैठ के। और उसके बंदे लोग सब अपने ऊपर अटैक करने चालू किए, लेकिन मैं भी कम नहीं है, मैंने भी पूरी तरह से मेरी सिक्योरिटी गार्ड लेके गया था और वो सिक्योरिटी गार्ड ने हम लोग को अच्छे से गार्ड करके ना वो लोग सबको मार दिया था, मतलब जो भी मार्टिन के सिक्योरिटी थे वो लोग सबको उसने मार दिया था। और फिर हम लोग ने मार्टिन को कैप्चर करके लेके आ गए थे एक टॉर्चर रूम में, जहाँ पे हम लोग उसको पूछने आ रहे थे कि भाई क्यों हम लोग पे अटैक किया, क्या रीज़न था उसके पीछे। अभी उसने बता तो दिया रीज़न कि एक माफिया है जिसने हम लोग पे अटैक किया, लेकिन वो माफिया का नाम अभी भी बताना नहीं चाहता, पता नहीं क्यों। अभी मुझे भी पूछना है भाई क्यों, मतलब हम लोग उसको इतना टॉर्चर करें फिर भी वो बता रहा नहीं है, क्योंकि वो बोल रहा है कि भाई वो अगर बता देगा तो वो बहुत ही बड़ी दिक्कत में पहुंच जाएगा, मतलब उसको जान का भी खतरा हो सकता है, ऐसा बोल रहा है। अभी ये चीज़ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्टिन बेचारा है, क्योंकि उसके जान के फिकर के वजह से उसने हम लोग पर अटैक किया, ना ही उस पर हम लोग को कोई दुश्मनी था या फिर कुछ भी ऐसा कुछ रिवेंज लेना था। अभी पता नहीं भाई कि वो माफिया कौन है, अभी हम लोग पूछते जा रहे तो अभी तक बताया तो नहीं, लेट्स सी क्या होता है। ट्रेवर भी आ गया और फ्रैंकलिन और लेस्टर तो पहले से ही थे, अभी ट्रेवर उसको बहुत खतरनाक वाला मारने वाला है और पूछने वाला है कि भाई उसका नाम बता दे, लेट्स सी क्या बोलता है। वैसे ट्रेवर पूरी तरह से वार्म अप कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है कि वो बजा के रख के दे सकते हैं। और ट्रेवर ना दो दो बैग लेके भी आ गया पैसे का, ताकि हम लोग वो जो घर का पेमेंट है वो आज के आज दे के वो घर पे शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि जो सिक्योरिटी है ना वो हम लोग घर पे, वो वाले घर पे डाल सकते हैं। अभी माइकल के साथ कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, मतलब घूमने के लिए साथ में, क्योंकि हम लोग ने जो मेन कल्प्रेट है मार्टिन उसको ही पकड़ लिया है। अभी बस एक ही प्रॉब्लम है, वो माफिया जो है वो हम लोग को कुछ करे ना, हम लोग को कुछ होने नहीं वाला, वैसे ही फ्रैंकलिन और ट्रेवर हम लोग के साथ है फिलहाल, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग पूछते हैं मार्टिन को कि भाई वो नाम बता दे, उसके बाद देखते क्या बोलता है, फिर उसके बाद मैं आपसे वहाँ पे मिलता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो ट्रेवर ना इतना मारा मार्टिन को, उसका तो हालत ही ख़राब कर दिया पूरी तरह से, मतलब वो उठने के हालत में नहीं है और पूरा जो फ्लोर है ना पूरी तरह से खून से लथपथ हो गया। और भाई अभी भी नाम बताने का लायक नहीं है, पता नहीं, मतलब मार्टिन तो ना अभी तक मुंह खोला नहीं है, अभी शायद हम लोग पूछेंगे तो मालूम पड़ेगा। भाई ट्रेवर भाई जरा रुक जा यार, हम लोग पूछ तो लेते हैं अभी नाम, तो लेट्स सी क्या बोलता है। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली ना मार्टिन ने मुंह खोला और उसने बोला ये जो डॉन है ना उसका नाम है डॉन हेक्टर, और ये डॉन बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है क्योंकि ये डॉन एक मेक्सिकन गैंगस्टर डॉन है, मतलब माफिया वहाँ का, जो बहुत ही बड़ा ड्रग रैकेट चलाता है। और ये डॉन ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मेरे को मार्टिन बोल रहा है कि हम लोग कितना भी बड़ा सिक्योरिटी ले लो, बोल रहा है कि ये जो तुम्हारी सिक्योरिटी ना ये कुछ भी काम की नहीं है, अगर डॉन हेक्टर खुद आ गया ना हम लोग ये घर पे मारने के लिए तो कंफर्म। मार्टिन बोल रहा है कि माइकल तो ख़त्म है उस टाइम पे और उस समय में, तो ये थोड़ा मेरे को ज़्यादा ही कंसर्न लग रहा है और इतना आप मेरे को टेंशन आ रहा है ना कि ये डॉन हम लोग के पीछे क्यों पड़ा है भाई, मतलब हम लोग ने उसको कुछ किया भी नहीं, ना ही हम लोग का कुछ बदला है, बस हम लोग को मार्टिन से पैसा चाहिए था तो हम लोग ने मांगा और मेरे को क्या पता कि उसका पेमेंट हम लोग को लेके आके देने वाला है और उसके वजह से वो अपने ऊपर गुस्से पे हो गया। अभी ये डॉन है ना बहुत ज़्यादा ही अजीब है, क्योंकि मतलब बेमतलब का वो अभी गुस्से पे बैठा है हम लोग के ऊपर लेके, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या बोलूँ इसके बारे में। अभी मेरे को मार्टिन तो बोल रहा है कि साथ में सिक्योरिटी रखने को, लेकिन मेरे को लगता है कि नहीं रखने को, क्योंकि हम लोग की कुछ गलती ही नहीं है भाई, तो हम लोग सिक्योरिटी हम लोग के साथ साथ क्यों रखें। अगर मैं घर पर रखूँ तो सही बात है, क्योंकि वहाँ पर ना
हम लोग की फैमिली है, मतलब माइकल की फैमिली है, और अगर मैं उसको शोरूम में भी रखूं मतलब सिक्योरिटी को, तो वो भी बराबर चीज है, क्योंकि अभी लास्ट टाइम शोरूम में जब भी शूट आउट हुआ था तभी बहुत सारे कस्टमर्स भी डाउन किए गए थे, तो मैं नहीं चाहता कि वो भी हो जाए। तो मेरे को सिक्योरिटी उधर भी रखना है शोरूम में, और एट द सेम टाइम मेरे को घर पे भी रखना है। अभी देखते क्या बोलता है। अभी फिलहाल के लिए मेरे को मालूम तो पड़ गया कि डॉन हेक्टर ने बोला है ये चीज़, तो अभी नाम तो मालूम पड़ गया लेकिन बंदा कौन है वो नहीं मालूम। लेकिन मार्टिन बोल रहा है कि उसको मिलना ऐसी काम नहीं है, मतलब ऐसे छोटी मोटी काम नहीं है। मार्टिन बोल रहा है कि हम लोग को ना एक कॉल आएगा, मतलब मार्टिन को खुद को एक कॉल आएगा और फिर वो बुलाएगा उसको मीट करने के लिए, तभी हम लोग मिल सकते हैं। तो मार्टिन को जैसे ही कॉल आएगा तो हम लोग सब लोग निकल के डॉन को मिलने जाएंगे। लेट्स सी क्या बोलता है वो डॉन एक्टर। वैसे अभी मेरे पास ना ये दो बैग है, ये दो बैग को ना पैसे के बैग को मैं गाड़ी में रखता हूँ, और फिर हम लोग चलते हैं हम लोग के नए घर का फाइनल और लास्ट पेमेंट देने के लिए। थोड़ा सा पैसा बाकी था वो हम लोग अभी दे देंगे और ख़त्म हो जाएगा हम लोग का पेमेंट नया घर का। और ना मेरे को थोड़ा बहुत टेंशन है एक चीज़ का, वो है मेरा जो शोरूम है ना वो बिल्कुल भी चल रहा नहीं है। अभी मेरे को जेनी का कॉल आया, वो बोल रही है कि शोरूम में ना कस्टमर आ रही नहीं है, मतलब बाहर से देख के जा रहे लेकिन अंदर आने का डर रहे, क्योंकि वहाँ पे जो अटैक हुआ ना इतना भयंकर हुआ है कि सब बंदे ना डर गए। अभी मैं भी चलता हूँ मेरे जो नए घर के लिए पेमेंट है वो देता हूँ, तो फटाफट मेरी जो उर्स है मैं उधर डोर के पास लेके आता हूँ, फिर उसके बैग को लेके हम लोग गाड़ी में डालेंगे पीछे की सीट पे, उसके बाद हम लोग लेके निकलेंगे नए घर के लिए। तो फटाफट भगा के जाता हूँ वहाँ पे, उसके बाद मैं आपको वहाँ पे मिलता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो मैं भगाते हुए पहुँच गया यहाँ पे, बस मेरे को ना लेफ्ट लेना है यहाँ पे, और हम लोग पहुँच गए हम लोग के मैंशन में। बाहर से कितना खूबसूरत लग रहा है यार, ये जो पिंक कलर का जो ट्री है ब्लॉसम ट्री बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। शायद ये आर्टिफिशियल है क्योंकि यहाँ पे तो ऐसी उगेगा तो नहीं, वैसे यहाँ पे इतना भी विंटर वाला क्लाइमेट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ना ये पाइनाजी भी आ चुका है और उसके साथ उसकी सेक्रेटरी भी है, और उसके पास एक गाड़ी है मर्सिडीज है। ओ भाई सही है, वैसे मैं जाके उससे बात कर लेता हूँ। हम लोग का जो बैग है वो हम लोग दे देते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग बात तो कर ले भाई कि पेपर हो गए पर हो आज के आज करेगा कि कैसा सीन है, अभी बात करते हैं। और ये बंदे के पास खुद का ड्राइवर भी है क्या? ओ भाई सही है यार, ठीक है ठीक है, हम लोग इससे बात करते हैं उसके बाद डिसाइड करते क्या करना है। ऑलराइट गाइस, तो मेरा बात हो गया ये बंदे से, ये बोल रहा है कि आज क्या चाबी और पेपर वर्क सब कुछ हो जाएगा और ये घर तुम्हारे नाम पे हो जाएगा। वैसे ऑफिशियली देखा जाए तो ये हम लोग के नाम पे हो ही गया है देखा जाए तो, क्योंकि हम लोग ने उसको पूरा पेमेंट दे दिया और इसका जो ड्राइवर है ना उसको वो गाड़ी में रख दिया है। वैसे देख लेता हूँ गाड़ी में रख लिया है ना कि भाई पास, ओके ओके नहीं नहीं रख दिया, दोनों गाड़ी इसने फ्रंट सीट पर रख दिया है, ठीक है। तो अभी ये बंदा बोल रहा है कि मैं निकलता हूँ पेपर वर्क के लिए, बाद में मिलते हैं, और ये घर अभी एंजॉय करो बोलता है। तो ठीक है, अभी हम लोग इसको भी अलविदा करते हैं और हम लोग भी अंदर की ओर चलते हैं हम लोग के घर के अंदर। ओके गाइस, तो अभी हम लोग आ गए हम लोग के घर के अंदर और बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है यार। हम लोग अगर पूरी तरह से क्लीन करके दिया है ये लोग ने, क्योंकि उसके बाद भी बंदे आए थे देखने के लिए घर, लेकिन मैंने उससे पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ये घर ना मेरा ही होने वाला है। और ओके वेट अ सेकेंड, हम लोग जब ये घर पे आए थे देखने के लिए तभी हम लोग ये रूम में तो घुसे ही नहीं थे भाई, ये तो मेरे लिए पूरा नया चीज़ है। यहाँ पे एक जकूजी है और ओके यहाँ पे वॉश बेसन है, और ये ना भाई यहाँ पे बैठ के हम लोग अपना जो भी शेविंग वेविंग है या फिर बाल बाल कटाना है वो हम लोग कर सकते हैं, और इंडोर स्विमिंग पूल भी है। मेरे को तो पता ही नहीं था कि हम लोग के पास इंडोर स्विमिंग पूल भी है, इतना खतरनाक। और ये शावर हेड भी है तो बहुत ही खतरनाक है, मतलब शावर करके हम लोग जा सकते हैं स्विमिंग पूल में डायरेक्टली, और सब टावल सावल सब कुछ रेडी है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक 5-स्टार होटल में आए। और ये देखो यार यहाँ पे एक स्लाइड भी है, ये जिमी या ट्रेसी कर सकते हैं ये स्लाइड में, हम लोग तो नहीं करने वाले वैसे। ओके, तो ये रूम मेरे लिए पूरी तरह से नया चीज़ था। और कोई रूम है क्या? हम लोग जाके देखते हैं। वैसे मेरे को ना मैकडोनल्ड्स देखना है, उसने बोला कि वो ना स्टॉक करके रखेगा सब बर्गर्स या फिर फ्राइज वाइज जो भी है। हम लोग जाके देखते हैं कि उसने लेके आके रख दिया है कि लेके आएगा, वो अभी तक पता नहीं है, मैं जाके देखता हूँ। यहाँ पर ही है वो मैकडोनल्ड्स और इसका भी स्लाइडिंग डोर था तो सही है यार। यहाँ पे अभी तक तो कुछ सामान तो लेके नहीं आया, वैसे मेरे को दो बॉक्स तो दिख रहे हैं लेकिन मेरे को पता नहीं है कि भाई उसमें हम लोग का बर्गर और फ्राइज वाइज का जो भी सामान है वो है कि नहीं। और यहाँ पे टेबल तो ख़तरनाक है जो हम लोग बैठ के खा सकते हैं, ऐसा मतलब फास्ट फूड का फुल एक्सपीरियंस हो जाएगा हम लोग को घर पे बैठे बैठे। तो ये ना बहुत ही खतरनाक वाला चीज़ है, हम लोग घर पे एक मैकडोनल्ड्स होना और एक इंडोर पूल आउटडोर पूल और इतना बड़ा लिविंग स्पेस होना ना बहुत ही खतरनाक वाली चीज़ है। तो अभी हम लोग भी चलते हैं बाहर की ओर। वैसे हम लोग का ये जो घर है ना ये पूरी तरह से सेट हो गया, इसके बाद हम लोग घर तो नहीं लेने वाले, लेकिन मैं एक सोच रहा हूँ वो है ना एक नया शोरूम खरीदना, या फिर लेट्स सी क्या करते हैं, मेरे को शोरूम तो खरीदना कुछ भी है, क्योंकि हम लोग का शोरूम है ना
कुछ भी भाई गाड़ी नहीं बिक रहा है, इतना टाइम हो गया हम लोग को, शायद एक हफ्ता हो गया अभी तक एक भी गाड़ी बिका नहीं है। पता नहीं कि भाई क्या ही सीन है, क्योंकि ये जो बंदे हैं ये लोग को डर लग रहा है कि वापस अटैक ना हो। तो मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि ये सही बात है, वैसे अगर मैं भी उनके जगह पे होगा तो मैं भी नहीं जाता था ऐसे ही सोच के कि अटैक होगा या फिर कुछ होगा, उससे बेटर है कि हम लोग कोई और शोरूम में जाके कार परचेस कर ले। क्योंकि वो जो मोटर डीलरशिप है जो हम लोग जहाँ से गाड़ियाँ खरीदे थे पहले, वो बंदा तो पूरी सेफ जगह पे, मतलब पूरा टाउन पे, फिर जो भी बंदे हैं ना सब उनके वहाँ पे जाने का देखेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी मेरे को एक नया शोरूम देखना है, लेकिन प्रॉपर्टी देखना है। तो ये जो डायनेस्टी वाला बंदा था, मैंने इसको ही बोल के रखा है कि भाई अगर कोई प्रॉपर्टी रहे शोरूम के लिए तो मेरे को बताना। यहाँ पे क्या एक शोरूम है क्या? वेट 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 वेट, मैं जाके देखता हूँ। मैंने पहली बार देखा ये आके। नहीं, कस्टमर पार्किंग और बैंक है, जाके देख सकते क्या ये कौन सा बैंक है? ये मैंने पहली बार देखा ये बैंक, वैसे मैं कभी आया नहीं उतना यहाँ पे। और हम लोग अंदर चल के देखते ये बैंक पे। ओके, तो बैंक बहुत ही बढ़िया है यार, हम लोग यहाँ पे भी चोरी कर सकते एक बार आके चाहिए तो। वैसे मैं वो करने नहीं वाला हूँ। और वॉल्ट तक हम लोग डायरेक्ट एक्सेस है, क्योंकि बंदे ही नहीं यहाँ पे, ये हाईवे की तरफ है ना। और इतना सारा पैसा हो सकता है यहाँ पे, शायद उतना नहीं होगा इसलिए इतना सिक्योरिटी भी नहीं है, और कोई बंदे भी नहीं है, स्टाफ शायद लंच में है, तो इसके वजह से कोई भी यहाँ पे सिक्योरिटी भी नहीं है ना ही स्टाफ है। तो हो सके ना कभी हम लोग आके यहाँ पे लूटेंगे, लेकिन हम लोग घर के सामने ही ये बैंक है, थोड़ा बहुत हम लोग को दिक्कत हो जाएगा अगर पुलिस वुलिस को मालूम पड़ेगा हम लोग यहाँ से आके चोरी करके गए। ओके वेट, मैं ना पीछे देखे बगैर ही डायरेक्ट टर्न ले लिया था, मेरे को लगा कि भाई ठोक ना दे। तो चलते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखते हैं एक दो, जहाँ पे हम लोग शोरूम देखने जा रहे हैं, मतलब कार का शोरूम। लेट्स सी अगर हम लोग को पसंद आया तो हम लोग ले लेंगे, या फिर देखते क्या है। प्रॉपर्टी का हंट तो करना है, लेकिन बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हम लोग को देखने का। और वो डायनेस्टी वाला बोला है कि हम लोग को अच्छा अच्छा प्रॉपर्टी तो दिखाई गई, वो बोला मैं ना मैसेज कर दूंगा तुमको, एक थोड़े ही समय में मैसेज आएगा उसका कि भाई कहाँ कहाँ पे प्रॉपर्टी है, मतलब प्रॉपर लोकेशन के साथ। तो हम लोग को वो लोकेशन पे जाके देखना है वहाँ पे प्रॉपर्टी है कि नहीं। वैसे उरस है ना बहुत ही खतरनाक वाला कार है, क्योंकि इतना स्पीड है ना इसमें, बहुत ही सही जाता है, मतलब स्मूथ जाता है। लेकिन एक ही प्रॉब्लम, स्लोप रहे तो बहुत ही ज़्यादा स्लो चढ़ता है। और बहुत सारे बाइक्स भी है यार आजकल तो यहाँ पे लॉस एंटस में, शायद सबको ना बाइक का बहुत ज़्यादा ही क्रेज़ है। वैसे हम लोग भी एक बाइक खरीदेंगे, आई गेस कावासाकी H2 या फिर ऐसा कुछ खरीदेंगे निंजा का, नहीं तो डुकाटी वुकाटी खरीदेंगे। लेट्स सी क्या खरीदते। वैसे उससे पहले मेरे को एक बढ़िया सा कार भी खरीदना है और शोरूम भी खरीदना है। हम लोग को पहले शोरूम खरीदना चाहिए। मैं भाई इतना स्पीड में गया मैंने देखा ही नहीं, रेड लाइट लगी हुई है और यहाँ पे बंदे रुक गए थे। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ ना पहले शोरूम खरीदूँ और फिर उसके बाद कार्स है ना वो भी खरीदूँ। हम लोग के पास कार्स तो है फिलहाल, वो बिकने के बाद हम लोग के पास कार की बहुत कमी पड़ जाएगी, क्योंकि एक दो जो कार है वो डिलीवरी हो गई थी जो पहले बुक हुई थी अटैक से पहले, लेकिन अटैक के बाद एक भी कार बुक नहीं हुई है। और रोल्स रॉयस है क्या यहाँ पे? बंदे के पास रोल्स रॉयस भी है यहाँ पे आजकल, मेरे को समझ में नहीं आ रहा इतने अच्छे अच्छे कार्स कैसे आ गए लॉस एंजेलिस में अचानक से, जबकि हम लोग के शोरूम में तो कोई भी बंदा खरीद रहा नहीं है कार्स। कोई और शोरूम खोला क्या मेरे को वो भी नहीं पता, हम लोग का कोई कंपटीशन आया है क्या? अभी जाके देखते हैं हम लोग, जब भी हम लोग हंट करेंगे ना प्रॉपर्टी का तो हम लोग को मालूम पड़ेगा कि नया शोरूम आया है कि नहीं। उससे पहले हम लोग को अच्छा प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा हम लोग के शोरूम के लिए, ताकि हम लोग का भी बिजनेस बूम हो जाए और ख़तरनाक वाला पैसा आ जाए और फिर हम लोग भी बहुत ही बड़े बिजनेसमैन और गैंगस्टर बन जाए ये लॉस सैंटोस का। तभी हम लोग जाके प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, लेट्स सी हम लोग को अच्छा प्रॉपर्टी मिलता है कि नहीं। तो अगर आपने ये वीडियो इधर तक देख लिया ना तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो, और सबसे पहले आपको मेरा वीडियोस देखना है तो। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।